राजधानी रे युवराज कौन सी राजबाटी राजा नुहंती किंतु से बंचुचंती महाराजा परी प्रतिदिन 5 रु 7 हजार टंका खर्च कराउछि फिट एंड फाइन रहापी तेल मालिश मध्ये कराउछि। वास्तव में मु कौन कहूँ हूँ तो आपको आश्चर्य लगू थी पारे ये राजा नुहंती ये होंगे हरियाणार जड़े मईसी जहाँ युवराज कह सीधा सड़क भिजुआल देखा जहाँकि जो कहीपर राज्य सरकार मत्स्य और जो पशुपालन क्षेत्र में जो भाई भाव जो समावेश होवसर में हरियाणार गोटे मईसी आसी ना हूँ युवराज पखापाखि 5 रु 6 जन पछे लगी देखापी लोकों लंबा भिड़ रही उच्चता 5 फुट 8 इंच रही 1500 केजी ओजन रही दिन को पर खाइब आरंभ कर जहाँ भी किसी आनुषंगिक खाइबा व्यवस्था कराई व्यवस्था कराँ जमी मुझे 5 रु 7 हजार टाँग खर्च कराँ तो आर शुक्राणु रु पखापाखि 1.5 लक्ष पिला जन्म होती तो किभली भाव में मेन्टेन करूँ कौन सब करा सीधा सड़क आम कथा जी अच्छा कर्मवीर पर लोक अच्छा कर्मवीर पर ये हूँ युवराज आपको नंदीगोष टीवी से स्वागत है। इसका नाम युवराज क्यों रखे और किस लिए? सबसे पहले सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। जो ये बुल का हमारे युवराज नाम रखा है, जिस टाइम पे युवराज क्रिकेटर थे और उस टाइम पे उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, उस टाइम पे ये नाम रखा था, लाला जी को पसंद आया, इसका नाम युवराज रखा। तो ये भी कभी हारा नहीं, युवराज भी कभी हारा नहीं। इसको कैसे मेंटेन करते हैं? खाना पीने के क्या क्या देना पड़ता है, पूरा मेंटेन कैसे करते हैं? इसको सुबह दूध पिलाया जाता है, फिर रेस के लिए ले जाता है, रेस से आते ही घर पे फ्रूट खिलाया जाता है इसको, सेब है, केला है, अंगूर है, पपीता है, ये खिलाते हैं। उसके बाद हरा घास खिलाते हैं, फिर दोपहर की डाइट इसकी सूखा भूसा और अनाज होता है, सभी प्रकार के मिक्स करके अनाज को और ग्राइंड करके उसको पकाया जाता है, साथ में गुड़ मिला के दिया जाता है। जैसे वो सब गाय गोर भैंस के लिए जैसे सेड रहते हैं, उसके लिए कैसे आप फैसिलिटी किए हैं? सेड रहने के लिए सेड तो इसके लिए देखो, जैसे हमने यहाँ पर भी रेत मंगाया है, बालू रेत, ऐसे ही रेत है घर पे भी, और पंखे हैं, कूलर हैं, ऐसी सारी व्यवस्था है फार्म के सभी पशुओं के लिए, बहुत अच्छा रहन सहन है, पानी की व्यवस्था अच्छी है और फुवारे लगे हैं, फोग सिस्टम होता है, एसी की तरह होता है वो। डाइट के लिए और क्या खाने के लिए पीने के लिए दूध वगैरह वो सब क्या देते? दूध होता है ना सुबह शाम के लिए, दूध होता है, दिन में ड्राई फ्रूट फ्रूट होता है और चाट चोकर हरा चारा ये होता है। आपका जो टीम आए, जो रिलेटिव लोग आए, हम पूछ रहे थे कि उसका जो शुक्राणु है कितने मिलते हैं और डोज कितने रुपये में बेचते हैं और अभी तक कितना बच्चा है उसका पैदा हुआ है अभी? जैसे देखो पहले एक जम कराते हैं ना, तो इसमें 600 सीमन बनता है, एक सीमन के हम 300 रुपये लेते हैं और पर डे एक जंप में 600 सीमन बनता है। आप ये देख लीजिए, अब काउंटेंट कर लिए महीने में कितने जंप हो गए, कितने सीमन हो गए और कितने पैसे हो गए। लगभग कितना अभी बच्चा पैदा हुआ? जंप ये बच्चा बच्चा काउंट भी नहीं किया है, लगभग 5 लाख बच्चे पैदा हो चुके होंगे इसके। और ये और भी क्या बोलते हैं, आपका जो एनुअल मीट में गया है 24 टाइम्स से भी विजेता है? नहीं, 26 बार विजेता है, 26 बार, हाँ 26 बार का चैंपियन रह चुका है। और जो इसकी माँ थी उसका दूध था 28 केजी पर डे का। इसका बाप है योगराज, वो भी एक प्रोजनी बुल है, उसकी कटड़ी जो भी आती है 20-21 किलो दूध देती है पहले ब्यांत में ही, और जो इसकी कटड़ी है 16-17 लीटर दूध देती है एक ब्यांत में, पहले ब्यांत में। अभी जो उड़ीसा गवर्नमेंट आपको यहाँ पे बुलाया है, क्या वार्ता देना चाहेंगे जो भी जो क्या फार्मर लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? फार्मर लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप देखिए किसान भाइयों ये कितना अच्छा बुल तैयार किया है, हमारे पास कोई अलग से नहीं है, हमने भी सीमन से तैयार कर लिया इसको, घर पे इसका बाप है, हमारे पास ये फैसिलिटी थी, लेकिन आप लोगों के लिए हमने सीमन तैयार किया है, आप हमारे से सीमन खरीदें, अच्छे पशु पे लगाएं, अच्छे पशु पे लगाएं और ऐसे पशु घर पे तैयार कीजिए। आप उसको बेचते नहीं है ना, कोई खरीदने के लिए कोई आए थे? नहीं, नॉट फॉर सेल, ये बिकाऊ नहीं है। तो इसका कीमत कितना होगा? इसका कीमत एक बार लगे थे 125 करोड़, एक बार 15 करोड़, एक बार 25 करोड़, ये नहीं बेचा अभी। आपका ये फैमिली 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 वो बेटे जैसा ही है ये भी। नेत पेपर में कथा होते जे कि
कर्मवीरों पर लोक थे सीधा सड़क कहते कि कोटि कोटि टकर मगुच्च कि बिकुना कहीं पर सदस्य भाई तो ये गोटे कथा कि यू आसबार गोटे बार्ता रोचे कि जो मैंने भी चाषवास कर कृषि श्रेणी कदा गाई गोर महसी एभली जो चाषवास कर तो ये गोटे हूँ तो गोटे प्रेरणा हो पाए तो बर्तमान से राज्य सरकार पक्षर विभिन्न योजना करा चाषवास तो निहाती भाव में हे तो ये खबरटी हूँ तो यही महसीटी हूँ तो किसी को प्रेरणा जगे पार हूँ तो से चाषवास कर किसी दी पैसा रोजगार करेंगे लाभवान होपर भुवनेश्वर वीडियो जर्नलीस्ट संतोष कौशल अरुण साहू नंदी गोष्ठी।